Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद, मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ सहार फातमा। हेडलाइन से आपने जानी बुलेटिन में आज बात करेंगे, 65 की जंग के बहादुर मुहाफिज सीसा फिलाई दीवार, कदम कौम बहादुरी की लाजवाब दास्तानें, वज़ीर आज़म ने क्या बताया, रिलीफ का नया प्लान तैयार, चीनी बहुत महंगी, भारत की हठधर्मी, और 7 अरब का सिक्का। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे, खबर शामिल करेंगे यौम दिफा के हवाले से। जंग सितंबर जंगी तारीख की अनोखी जंग, पाक फ़ौज ने अपने से बड़े दुश्मन का गुरूर किस तरह खाक में मिलाया था। भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग का मुँह तोड़ जवाब किस तरह दिया, तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान 58वीं यौम दिफा और शहदा पर पैगाम, शहदा और उनके लवाहिकीन के ज़बरदस्त खिराज अकीदत। और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर 1965 को हक और बातिल के मार्के ने साबित किया कि गयूर कौम अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। हज़ारों बेटों ने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। आज पूरी कौम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वतन को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की मुसलह फौज हर तरह के खतरात से निपटने के लिए तैयार है। आज का दिन वतन के खुद मुख्तारी और सालमियत को हर चीज़ पर मुकदम रखने का तकाजा करता है। जंग सितंबर हमारी तारीख में गैर मुतजल कौमी अज़म की यादगार है। 58 साल पहले 6 सितंबर को हमारी मुसलह फौज और कौम ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के नापाक इरादे को नाकाम बना दिया था। दिफा वतन की राह में जान निछावर करने वाले शहदा को सलाम पेश करते हैं। यौम दिफा के मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी पैगाम दिया। वज़ीर आज़म अनवार हक काकर ने भी शहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। कहा, जंगे सितंबर की कामयाबियां हमारी मुसलह फौज की महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। पाकिस्तान को इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। नापाक अजायम नाकाम बनाने के लिए पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। अखनूर के महाज पर पाक फौज के जवानों ने जुर्रत और बहादुरी की वो दास्तान रकम की कि दुश्मन भी दांत दिए बगैर ना रह सके। अपने से कई गुना बड़े और असलहे से लैस दुश्मन को बहादुर जवानों ने वो सबक सिखाया कि घुटने टेकने की पर मजबूर हो गए। गाजियानी वतन कौम का फ़ख्र हैं। यौम दिफा पर गाजी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद रजा अब्बास ने अपने एहसासात का इजहार किया। कहा, बचपन से पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत की ख्वाहिश थी। 1965 की जंग में बतौर कैप्टन तैनात था। पाक फौज के जवानों का यही अज़्म था कि कुछ कर गुजरो या वतन पर कुर्बान हो जाओ। मैं 1965 की हिंद पाक जंग में बतौर कैप्टन 6 आर्मर डिवीज़न में तैनात था। जो 6 आर्मर डिवीज़न के जो सिपाही थे या अफसर थे या जो जनरल्स थे, एक ही तय किया था, डू और डाई, या तो हम खुद मरेंगे और या पाकिस्तान को बचाएंगे। तो हमने यही कहा कि बस आप अपनी जान की फिक्र ना करें। वतन की मिट्टी गवाह रहना कि अपने जिस्म के जख्म सारे मैं सह रहा हूँ। 6 सितंबर के शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया गया, ये ईमान अफरोज नज़म सुनिए। जो हमने सजा के भेजा था वो और भी सच कर आया है। पाक फौज का यौम दिफा पर नया तराना जारी। अहमद अजीम का कलाम आयशा आसिफ फातमा और सारा ने गाया। 1965 की जंग के शहदा और गाजियों को बोल का सलाम। 6 सितंबर के हवाले से नगमा जारी कर दिया गया, हुबुल वतनी से भरपूर नगमा आप भी सुनिए। पाक फौज से मोहब्बत का इजहार, कौम का बच्चा बच्चा वतन के लिए मर मिटने के जज्बे से है सरशार।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान। जनरल आसिम मुनीर ने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ा, वज़ीर दिफा और चेयरमैन एंड सेक्रेटरी बराए स्टेट सिक्योरिटी सर्विस उज़्बेकिस्तान से मुलाकात की। ISBR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उज़्बेकिस्तान की फ़ौज की तरबियत के मयार और इलाकाई सलामती के लिए काविशों को सराहा। इस दौरे का मकसद फ़ौजी और दिफाई तआवुन को बढ़ाना है। क्या अमरीकी कांग्रेस ने साइफर मामले पर तहकीकात का कहा? अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान से साइफर मामले पर सवाल। वेदांत पटेल ने सहाफ़ी को जवाब दिया कि हम कांग्रेस में शराकत दारों से कई मामलों पर मशवरा करते हैं, किसी एक खास मामले पर नहीं। मजीद क्या कहा आप भी जान लीजिए। हुकूमत को डिक्टेट नहीं किया जा रहा, ना ही फौज अपनी हद से तजावुज़ कर रही है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत और फौज के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। Military is providing all the inputs which we are asking them. They are not overstepping even in the slightest manner. There is no sense where I feel that my government is being dictated. Yes, in a couple of areas, particularly security and some initiative on the economic front. We are working together, we have coalesced, and that is a partnership which is based on willingness, and both the sides on mutually dignified and mutual respected manner are communicating with each other. I am pretty much confident that it would be within the reasonable framework of time. Could be 1 month, 1.5 month, 45 days. I cannot be prescient about the time frame that it has to be exact in terms of hours and seconds, but yes, I do have a approximate sense, and I'm quite sure and comfortable that it would appear and it would look and it would happen in a relatively normal frame of time. और यहाँ आपको बताएं कि कराची में जुराइम पेशा अनासर सरगरम, नॉर्थ नाजिमाबाद एन में मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग से मदरसे के उस्ताद हाफिज खुर्रम शहजाद जाबहक हो गए हैं और तालिब इलम समेत दो अफराद जख्मी हो गए हैं। मुबीना टाउन में मस्कन चौरंगी के करीब डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया है। मोटरसाइकिल पर सवार 6 माह की कमसिन बेटी भी रोड पर गिरने से जख्मी हो गई, जबकि साइट सुपर हाईवे पुलिस की बंगाली मोड़ के करीब कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस दो मुलजमान असलाह समेत गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक ई में टेंकी ग्राउंड के करीब मुबैना मुकाबले में डाकू जख्मी हालत में धर लिया गया, साथ ही मौके से फरार हो गया। सोहराब गोज में बरवक्त एक्शन करके पुलिस ने अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। सुपर हाईवे मोहम्मद बिलाल ताजर को अगवा किया गया तो ट्रैक्टर की लोकेशन से पुलिस ने मगवी को बाजियाब करवा लिया। मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। दूसरी जानब आपको बताएंगे, लाड़काना में कंबर शहदाद कोर्ट में 10 साल बच्ची के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती का मामला है। वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुलजिम ने 10 साल बेटी शुमाइला को ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची को मेडिकल के लिए शेख जैद वुमेन अस्पताल लाड़काना रेफर किया गया है। पुलिस के मुताबिक वाकये का दर्ज किया जा चुका है, जबकि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुलजिम वकार फलफूटो को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के DNA सैंपल्स लैब टेस्टिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, शोहर ने खुला की दरख्वास्त दायर करने वाली बीवी पर गोलियां बरसा दी। जालिम ने अपने ही बेटे के सामने जुर्म का इर्तकाब किया, जबकि मासूम बच्चा देर तक मां की लाश से चिमटा रहा। बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस ने भी फुर्तियां दिखाई और जालिम शोहर को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिटायरमेंट से कबल फैसला सुनाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, मुख्तसर और स्वीट फैसला सुनाएंगे। रेफरेंस वापसी की वजूहत से अंदाज़ा होता है कानून का झुकाव किस जानिब था। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए, सब कुछ रिकॉर्ड पर आ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, मुलजिम को रेफरेंस वापसी के बाद घर कैसे भेजा जा सकता है? रेफरेंस वापसी के बाद केस को आगे चलाने के लिए भी कोई फॉरम होना चाहिए।
और खेलों के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि भरपूर मुकाबला किया, बेहतरीन खेले, मंजिल के करीब पहुंचे लेकिन कामयाब ना हुए। अफगानिस्तान जीत से सिर्फ 2 रन पहले मैच हार गया। श्रीलंका ने मैच जीत कर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। आलमी मंजरनामे के लिए देखिए ये खसूसी रिपोर्ट। इलेक्शन करीब आते ही मोदी के तेवर तब्दील। हिंदू वोटर्स को खुश करने के लिए मुल्क का नाम ही तब्दील करने का फैसला कर लिया। आईन में तब्दीली करके मुल्क का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया से रिपब्लिक ऑफ भारत रखा जाएगा। इंडिया की अपोजिशन जमातों ने मोदी को शदीद तनकीद का निशान। तुर्की में शदीद बारिशों ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। सैलाब के बायस इस्तांबुल की सड़कों पर पानी जमा, जमीनी राब्ता मुनकता। दर्जनों अफराद इस्तांबुल की नेशनल लाइब्रेरी में फंस गए। इमदादी सरगर्मियां जारी। एलन मस्क ने अमरीकी यहूदी तंजीम पर दायर करने का इंदिया दे दिया। मस्क ने ग्रुप पर इल्जाम लगाया है कि ये एक्स प्लेटफॉर्म का खात्मा चाहता है। एलन मस्क ने कहा, एशिया में यहूदी ग्रुप की ताकत बहुत कम है, इसलिए वहाँ हमारी इश्तेहारी आमदनी अब भी मजबूत। हीरो जुड़ा सोने का सिक्का, मलका एलिजाबेथ दोम की पहली बरसी पर 7 अरब का यादगारी सिक्का जारी कर दिया गया। द क्राउन नामी सिक्के की कीमत 2,30,00,000 है और बरतानवी कंपनी का तैयार करदा बास्केटबॉल के साइज का सिक्का 3.5 किलोग्राम वजनी है और इस पर 6,426 हीरे जड़े हैं। और यहाँ आपको बताएंगे, मेक्सिको के मुख्तलिफ हिस्सों में आसमान में एक शमसी होल बन गया। लोग गैर यकीनी नज़ारा देखकर हैरत में मुब्तला हो गए। माहिरीन के मुताबिक ये कोई आम वाकया नहीं है। गुलुकार आसिम अजहर ने एक बार फिर आवाज़ का जादू जगा दिया। नया गाना चंद माहिया रिलीज कर दिया। गाने की वीडियो में आसिम अजहर को डांस करते हुए भी देखा जा सकता है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे, एक पुरसकून घर से अजीबोगरीब शोर आने लगा है। घर के अफराद के लिए जान बचाना भी मुहाल हो गया। हॉलीवुड हॉरर फिल्म नो वन विल सेव यू का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 सितंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।